नमस्कार, मैं हूँ राखी रक्षा और आप देख रहे हैं जीएन भारत। कोरोना महामारी के बाद से चाहे भले ही लोगों की आय ना बढ़ी हो, देश का जीडीपी ना बढ़ा हो, लेकिन अगर कोई चीज़ लगातार बढ़ रही है तो वो है महंगाई। खाद्यान्न, तेल, प्याज, पेट्रोल, डीजल के बाद से अब घरेलू सिलेंडर के दामों में भी लगातार बढ़ोतरी की जा रही है। फरवरी माह में ही सिलेंडर के दामों में तीसरी बार इजाफा किया गया, जिसके बाद से घरेलू सिलेंडर 850 रुपये की दर से मिल रहा है। कोरोना महामारी के कारण हुए लॉकडाउन ने लोगों की आर्थिक स्थिति को ऐसे ही डामाडोल कर रखा है, उस पर भी लगातार बढ़ रही चीज़ों के दामों ने लोगों की परेशानी को और बढ़ा दी है। सिलेंडर के दामों में इजाफा तो किया जा रहा है, पर सब्सिडी वहीं की वहीं रुकी हुई है। झारखंड विधानसभा का सत्र आज से शुरू है, ऐसे में लोग सरकार से राहत की उम्मीद लगाए बैठे हैं। अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और जुड़े रहें जीएन भारत के साथ। धन्यवाद।